नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक नया रेसिपी बनाऊंगी, अनारदाना के पराठा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अनारदाना के पराठा। आटा 100 ग्राम, 10 ग्राम भुना हुआ तिल, अनारदाना 100 ग्राम। अब हम आटे को लगाएंगे जैसे नॉर्मल आटा लगाते हैं पराठे के लिए। नॉर्मल आटा लगाएंगे जैसे रोटी के लिए पराठे के लिए आटा लगाते हैं। अब इसमें हम तिल डाल के थोड़ा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नॉर्मल आटा लगाएंगे। ये देखिए हमने नॉर्मल पराठे या रोटी के आटा जैसे लगता है वैसे लगा के तैयार कर लिए। अब हम इसमें अनार भरकर रोटी को बेलेंगे, ऐसे छोटे छोटे इसको। ये सूखे आटे की सहायता से हम इसे स्टफ पराठा की तरह बीच में गोला करेंगे। ये देखिए बीच में मोटा ही रहने दीजिएगा, किनारे से थोड़ा पतला करते हुए। अब हम ये अनार के दाने थोड़ा थोड़ा इसमें एक छोटा चम्मच ही डालेंगे और इस तरह इसके मुंह को बंद करके और आटे की सहायता से इसे बेलेंगे, हल्के हाथ से बेलेंगे। अब इसको हम सेकने के लिए तवे पे रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम सेकेंगे। इसी तरह हम दूसरे पराठे को भी बेल लेंगे। ये देखिए थोड़ा आटे को मसलते हुए पेड़ की तरह गोल कर लीजिए। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी फूड है। अब फिर से इसमें इसी तरह डाल के और हम इसे इस तरह बंद करके अच्छे से बंद करेंगे ताकि ये निकले ना। और अब हम इसे फिर आटे के सहायता से बेलेंगे। ये देखिए दोनों तरफ पलटते हुए हम इसको धीरे धीरे आंच पे ही सेकेंगे। हम ये देसी घी लिए हैं, घी के साथ ही इसको सेकिए। इसी तरह धीरे धीरे दोनों तरफ से घी देंगे और इसको पलट करके सेकेंगे। अनार तो ऐसे भी मीठा होता है, इसमें अगर आप चाहें तो स्वाद के लिए चीनी थोड़ा बहुत ऐड कर लें, नहीं तो ये अनार तो मीठा ही होता है इसलिए हमने चीनी ऐड नहीं किया। अगर आपको चीनी पसंद है तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह हमने पहले पराठे की तरह दूसरे पराठे को भी इसी तरह सेक के सेकेंगे और घी डाल के इसको सेक लेंगे। अगर आपको चीनी पसंद है तो डाली, नहीं तो गुड़ भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए दोनों तरफ धीरे धीरे पलटते हुए इसको सेक लीजिए। यह हमारा अनारदाना का पराठा बनकर तैयार हो गया। यह पराठा आप गुड़ के साथ खाएं तो और भी अच्छा लगेगा। फ्रेंड, अगर आपको यह रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार।